हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन टू चैनल बायो इन माइंड। देखिए, कल हम देखे थे, प्रीवियस वीडियोस में मैंने देखा था इंटेक्स क्वेश्चन चैप्टर क्लास नाइन्थ का, ठीक है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का इंटेक्स क्वेश्चन हमने क्लियर कर लिया था। आज हम क्या करेंगे कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का एक्सरसाइज क्लियर करेंगे, जो कि द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे अप्रॉक्स आप समझिए कि कम से कम आपको 5 to 6 नंबर का क्वेश्चन आराम से टच होता है। तो यहाँ से हम देखते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन में है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस करना है, तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे, ठीक है। मेरा जो पीछे का मैं प्लेलिस्ट है उसमें आपको ये बहुत अच्छे से मिल जाएगा, वहाँ अच्छे से समझाया हुआ है। और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का जो डिफरेंस है, ठीक है, वो भी वहाँ पर है। तो हम थर्ड क्वेश्चन से आते हैं कि व्हाट वुड हैपन इफ़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर और ब्रेक डाउन। देखिए, क्वेश्चन कह क्या रहा है कि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगा या ब्रेकडाउन हो जाएगा तो क्या होगा। समझ में आ रहा है बात? अगर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल के बाहर का, अगर वो रप्चर हो गया या ब्रेकडाउन हो गया तो क्या होगा। तो इसका आंसर होगा, इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर और ब्रेक डाउन, देन द सेल विल रप्चर और ब्रेक डाउन, द सेल विल नॉट एबल टू एक्सचेंज मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग बाई द डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, देयर आफ्टर द प्लाज्मिक मटेरियल विल बी डिसअपियर्ड एंड द सेल विल बी डाई। होगा क्या कि पहला चीज़ क्या होगा कि ट्रांजेक्शन जो है सेल का, सेल में कोई मटेरियल आना और सेल से कोई मटेरियल जाना, ये दोनों चीज़ बंद हो जाएगा, क्योंकि जो उसका मेम्ब्रेन है वो पूरी तरह से टूट गया है। उसके बाद देखिए क्या होगा कि जो भी उसका ऑस्मोसिस डिफ्यूजन का प्रोसेस तो बंद हो गया, और उसके बाद क्या है कि प्लाज्मिक मटेरियल जो है उसका डिसअपियर कर जाएगा, जो सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर कर जाएंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब डिसअपियर कर जाएंगे तो ऑर्गेनल्स काम नहीं करेगा, ठीक है। और ऑर्गेनल्स काम नहीं करेगा तो क्या होगा कि जितने भी सेल है वो डाई कर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए फोर्थ क्या है, व्हाट वुड हैपन इफ द लाइफ ऑफ सेल, इफ देयर वॉज नो गोल्जी एपरेटस, अगर सेल में कोई गोल्जी एपरेटस नहीं रहता है तो सेल का लाइफ क्या होगा, कैसे होगा भाई। तो गोल्जी एपरेटस का फंक्शन मैंने आपको बताया था कि इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, कि ये करता क्या है कि स्टोरेज, जो भी प्रोटीन या जो भी अमाउंट हमारा स्टोरेज होता है, जो भी हमारे सेल के लिए जरूरी प्रोटीन होते हैं जो स्टोर करता है, उसके बाद क्या होता है कि वो मॉडिफिकेशन करता है गोल्जी एपरेटस और उसको पैकिंग करता है, ठीक। तो पहला चीज़ क्या होगा कि जो पैकिंग मॉडिफिकेशन कहाँ से करता है, तो सिस फेज से घुसता है, जो भी उसका एनर्जी है प्रोडक्ट है वो सिस फेज से एंट्री करता है न्यूक्लियस से, होते हुए, और ट्रांस फेज से वो निकल जाता है, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स विल बी स्टॉप। सबसे पहला इसका काम यही होगा कि इफ देयर इज नो एनी गोल्जी एपरेटस इन द सेल, देन द मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट विल बी स्टॉप, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो विच ऑर्गेनल्स इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल एंड व्हाई। देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि किस ऑर्गेनल्स को हम पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं और क्यों बोलते हैं। तो आपको मैं बता चुका हूँ कि पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, और क्यों होता है, तो बिकॉज एनर्जी रिक्वायर्स फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीड फॉर लाइफ इज रिलीज्ड बाई माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होता है सेल में, जो भी एनर्जी रिक्वायर्स होता है वो कहाँ से होता है भाई, कहाँ से निकलता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया से ही होता है, ठीक है, वो माइटोकॉन्ड्रिया से ही रिलीज होता है। और किस फॉर्म में वो रिलीज होता है, तो ATP के फॉर्म में रिलीज होता है। तो इसका आंसर होगा कि विच ऑर्गेनल्स इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल, तो A1 वर्ड में इसका आंसर हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। और क्यों पूछा है, वाई, बिकॉज एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीड फॉर लाइफ इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स। मैंने आपको ATP का फुल फॉर्म बता दिया है, ATP का मतलब होता है एडोनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है, फॉस्फेट के इसमें 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं। देखिए उसके बाद क्या है, 7th क्वेश्चन है, हाउ डज एन अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड, अमीबा अपना खाना कैसे बनाता है, कैसे ऑब्टेन करता है, सॉरी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि अमीबा को ऑब्टेन करने के लिए, सॉरी अच्छा अभी 7th क्वेश्चन हम डील कर लेते हैं, 6th क्वेश्चन छूट गया है,
ठीक है, तो मैं सेवन डील करने के बाद आपको सिक्स पे आता हूँ। तो सेवन्थ क्वेश्चन क्या है कि हाउ डस अमीबा ऑब्टेन फूड्स। तो सबसे पहले क्या होता है कि फूड इज कैप्चर्ड बाई सूडोपोडिया। सूडोपोडिया क्या होता है, उसका एक्सटेंडेड मेम्ब्रेन होता है, वो एक ऐसा उसका जो बॉडी होता है यूनिसेलुलर का, वो जो एक्सटेंड करता है फूड को कैप्चर करने के लिए, वही एक्सटेंडेड पार्ट को हम सूडोपोडिया बोलते हैं। उसके बाद कैप्चर फूड कहाँ आता है, तो फूड वैक्यूल्स में आता है। उसके बाद क्या होता है कि जो फूड वैक्यूल्स में आने के बाद क्या होता है कि कंपाउंड सब्सटेंस ब्रेक इनटू सिंपल सब्सटेंस एंड देन डिफ्यूज इनटू साइटोप्लाज्म। जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस वो लेता है उसको क्या करता है, सिंपल सब्सटेंस में तोड़ता है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो भी लिया फूड के रूप में, उसको सिंपल सब्सटेंस में तोड़ा, और तोड़ने के बाद क्या किया कि जो भी उसके मटेरियल बचे उनको क्या करता है कि वो एक्सक्रीट आउट कर देता है या वहीं से बाहर निकाल देता है बॉडी से। ठीक है, तो देखिए ये तो सब में है ना, हम इंसान में भी है कि इंसान जो फूड मटेरियल लेता है उसका एनर्जी यूज़ करने के बाद जो भी मटेरियल वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको बाहर से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है शरीर से। ठीक है ना, देखिए सिक्स क्वेश्चन क्या था कि वेयर डू द लिपिड एंड प्रोटीन्स कंसिस्टिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज्ड। तो लिपिड और प्रोटीन्स कहाँ बनते हैं भाई, तो लिपिड बनता है SER में, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और प्रोटीन बनते हैं RER में, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जहाँ पे राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, एट क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या है भाई, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन विद बाई द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। उसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होना जरूरी है भाई, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर ऑस्मोसिस के डेफिनेशन में आप सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं लिखते हैं तो आपका ये आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया। और ये एक ये जो लास्ट क्वेश्चन है नाइन्थ में, वो एक ऑस्मोसिस का एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, तो ऑस्मोसिस का एक्सपेरिमेंट ये सॉल्यूशन बेस्ड एक्सपेरिमेंट है, जो कि मैंने आपको पीछे अपने जो कंटेंट्स हैं जो भी मैंने आपको पढ़ाया है उसमें इसके बारे में बताया हूँ। ठीक है, तो आपका ये एक्सरसाइज जो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का और इंटेक्स क्वेश्चन पूरी तरह से वो क्लियर हो गया। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि आपका जो भी एग्ज़ाम है, ठीक है, एग्ज़ाम तो कब होगा इसका कोई मतलब अभी फिक्स टाइमिंग नहीं है, मगर जो भी होगा एग्ज़ाम जब भी पूछा जाएगा या कंपटीशन बेस्ड भी आप जब भी जाएंगे, तो जितना भी आपका नोट्स है, ठीक है, और जितना भी मैं आपको लेक्चर दिया हूँ, दिस ऑल आर सफिशियंट फॉर यू ऑल। समझ में आ रहा बात, और वो क्या होगा कि वो एक तरह से आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। अभी तक क्या क्या कवर किया एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं। जैसे देखिए द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में हम इसका आगे इंट्रोडक्शन पढ़े थे कि सेल होता क्या है, कैसे फंक्शन करता है, किसने इसका खोज किया, कब किया, न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा पढ़े थे। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर पढ़े थे इसका, इसको फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहते हैं इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, उसके बाद हम ऑर्गेनल्स में आए थे, तो सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, फिर ऑस्मोसिस डिफ्यूजन और सॉल्यूशंस के बारे में पढ़े थे, अरे बात समझ में। उसके बाद सेल वॉल, न्यूक्लियस, और फिर साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइजोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वैक्यूल्स, ये सारा कंटेंट्स हमने पढ़ लिया है। उसके बाद एक चीज़ मैं आपको और शेयर कर देना चाहता हूँ। देखिए जितना भी आपका नोट्स है और जो भी NCERT है, ठीक है, आप उसके थ्रू हमेशा रहिए। एक चीज़ और, आप हमेशा NCERT जो सैम्पल एग्जाम्पलर क्वेश्चन आता है या सैम्पल पेपर जो भी होते हैं, तो उससे क्या कीजिए कि जैसे आपके पास प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर्स होंगे, नहीं होंगे तो नेट पे अवेलेबल्स हैं। अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो जैसे आपका जो चैप्टर खत्म होते जा रहा है, ठीक है, उस चैप्टर से आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सके, या वो साइड बुक से हो या NCERT से हो, जितना ज़्यादा क्वेश्चन, एटलीस्ट आप एक चैप्टर से कम 100 to 150 क्वेश्चन क्लियर कीजिए, और MCQ 1 वर्ड्स भी क्वेश्चन क्लियर कीजिए। देखिए आपका जो भी चैप्टर्स में डाउट होगा वो पहला चीज़ तो क्लियर हो जाएगा, और दूसरा चीज़ आपको सबसे पहला एक और चीज़ आना चाहिए कि आंसर लिखते कैसे हैं, उसका भी तरीका आपको पता होना चाहिए, क्योंकि साइंस है ये ना, ये हिस्ट्री नहीं है कि आपको क्या करना है कि शुरू करना है और उसके अंत तक लिखना है। साइंस है तो टू दी पॉइंट आंसर जाना चाहिए। अरे बात समझ में, तो टू दी पॉइंट जितना भी आंसर आप लिखिएगा वो आपके लिए सही होगा। ये नहीं कि आप बढ़ा के ज़्यादा लिखिएगा तो आपको ज़्यादा नंबर, जो इन्वेजिनेटर है वो ज़्यादा नंबर नहीं देगा। तो इससे आपको करना क्या है कि आपको कुछ चीज़ों को हमेशा ध्यान में देना, क्योंकि अब आपका स्टार्ट हो गया है, अब आप फंडामेंटल क्लासेस में
आने लगे हो और ये आपका फाउंडेशन है, तो फाउंडेशन जब तक आपका स्ट्रांग नहीं रहेगा तब तक आपका जो रूफ होगा या जो भी आप उस पर घर बनाएंगे वो सही नहीं होगा। तो आपका आगे का जो भी स्टडी है उसको सही करने के लिए इस स्टडी को सही करना ही जरूरी है, इसके अलावा आपके पास कोई और चारा नहीं है। तो आपके पास अभी लॉकडाउन में टाइम है, घर पे बैठ के मेहनत कीजिए, जितना अच्छा हो सके आप उतना अच्छा करने का कोशिश कीजिए और हम लोग भी इसमें आपके साथ लगे हुए हैं ताकि आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए जैसा कि कल हमने इंटेक्स वीडियोस का जो भी वीडियो डाला था इंटेक्स क्वेश्चन का आंसर, उसमें क्या हुआ था कि जितना भी बच्चों को समझ में आया वो सारा चीज़ समझ में आ गया था, ठीक है। तो बच्चों को समझ में पूरे वीडियोज आए थे, उसमें हुआ क्या था कि किसी किसी चीज़ का वो डिस्क्रिप्शन वो हमसे पूछे भी कि सर इसका डायग्राम हमको समझ में नहीं आ रहा है, डायग्राम बता दीजिए, ठीक है। तो वो सारे चीज़ उनको क्लियर कर दिया गया। तो ईच एंड एवरी थिंग आपका क्लियर किया जाएगा, बस आपको करना क्या है कि आपको टाइम टू टाइम पढ़ाई करते रहना है, ठीक है। थैंक यू।